नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल स्टोरीज बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। अगर आप आध्यात्मिक कथाएं, पौराणिक कथाएं, विष्णु पुराण जैसी कहानियों को पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। ऑडियो पिटारा पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। आज आप सुनेंगे गणगौर कथा। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी एवं नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनका आना सुनकर ग्राम की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनकी पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगे? पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया गया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी अंगुली चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया, जिस पर जैसे छींटे पड़े उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। स्नान करने के पश्चात बालू की शिवजी की मूर्ति बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके दो कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहां पर भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर गई थीं। शिवजी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से आने में देर हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिवजी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहां महल के अंदर शिवजी के साले तथा सहलज ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वे दो दिन वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव चलने को तैयार ना हुए। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दीं। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव को भी पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुईं तो भगवान ने पार्वती जी को ना भेजकर नारद जी को भेजा। वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां दूर दूर तक जंगली जंगल था, सहसा बिजली कौंधी। नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिवजी के पास पहुंचकर यात्रा कर कष्ट बताने लगे। शिवजी हंसकर कहने लगे, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूं, यह सब तो आपकी ही कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। Thank you.